विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्रों में लाखों श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ की ज्योतियों के दर्शन किए और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। ज्वालामुखी मंदिर में छठे नवरात्र को हजारों श्रद्धालुओं ने लाइनों में लगकर ज्वाला माँ की ज्योतियों के दर्शन किए और हवन कुंड में श्रद्धा की आहुतियाँ डाली और जयकारे भी लगाए। इन नवरात्रों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पीने के पानी की जगह जगह व्यवस्थाएं की गई हैं। पुजारी अभिनंदर शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में छठे नवरात्र को कात्यायनी माता के रूप में ज्वाला माँ का पूजन किया जाता है और कात्यायनी माता का पूजन करने से कुंवारी कन्याओं को अच्छे बर की प्राप्ति होती है। ज्वालामुखी मंदिर एक शक्तिपीठ है, इसलिए मंदिर में हवन करने का बहुत महत्व होता है। ज्वालामुखी मंदिर में अग्नि रूप में ज्वाला माँ साक्षात विराजमान है। मंदिर में हवन की 5 आहुतियाँ डालने से पूरे दुर्गा सप्तशती हवन का फल मिलता है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु हवन आहुतियाँ डाल रहे हैं और पुण्य का फल प्राप्त कर रहे हैं। पंजाब से आए हुए श्रद्धालु ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्रों में ज्वाला माँ के दर्शनों के लिए आए हैं और माँ के दर्शन करके बहुत आनंद आया। उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से पीने के पानी की व्यवस्था व गर्मी से बचने के लिए पंखे लगाए हुए हैं। माता की सभी भक्तों को श्रावण मास के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। आज महामाई ज्वाला जी के मंदिर में छठे नवरात्र के रूप में महामाई कात्यायनी के रूप में महामाई का यात्रीगण पूजन कर रहे हैं। कात्यायनी देवी सभी बच्चों को सभी बेटियों को अच्छा वर प्राप्त करने में सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करती है। और जो ज्वाला जी शक्तिपीठ है यहाँ हवन का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि ज्वालामुखी पत्नी के रूप में यहाँ प्रज्वलित है, तो यहाँ पर 5 ज्योति डालने से भी पूरे दुर्गा सूक्ति के हवन का फल मिलता है। आज के दिन लोग महामाई ज्वालामुखी के मंदिर में पहुँच कर हवन यज्ञ में आहुति डालकर महामाई को प्रसन्न कर रहे हैं और आज भीड़ भी अच्छी देखने को मिल रही है और मंदिर के प्रशासन अच्छे बहुत किए हुए हैं। लंगरों की अच्छी व्यवस्था की उनकी कोशिश भी बढ़ी है और आज से मंदिर 3 दिनों के लिए 24 घंटे खुला रहेगा ताकि यात्रियों को बड़े आराम से दर्शन हो सके। असि हरियाणे तो आए, मेरा नाम बिट्टू है, यहाँ नाम वकील है टहल सिंह ने, तो असी मतलब बड़ी श्रद्धा लैके आए हैं जी दरबार से। तो बहुत वधिया माहौल है जी, बहुत शांति का माहौल है, बहुत सोहना लग्या जी। हजारा लखा श्रद्धालु लगे हुए हैं लाइन से, तो मतलब बहुत खुशी मिल रही है सानू मतलब मंदिर के दर्शन करके। बहुत प्रशासन का इंतजाम कितना है? प्रशासन का इंतजाम एक नंबर है जी, बहुत प्यार बोलते सब, बहुत आराम गल करते जी, बहुत वधिया लगे सानू। 6वां नराता चल रहा जी, मैं कहना जी आनंद है जी पूरा। जय माता दी, जय माता। पीएलटीवी के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।